सांस जी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रवासी पंजाबी अपने पैतृक गांव व शहरों में बुनियादी सुविधाएं देने में योगदान करें, कहा राणा केपी सिंह ने। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने प्रवासी पंजाबियों को पंजाब के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे पंजाबी मूल के लोगों को अपने अपने प्रत्येक गांव शहरों में स्कूल और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता करनी चाहिए। चंडीगढ़ के पंजाब विधानसभा के स्पीकर के कार्यालय में यूरोप के विभिन्न देशों से आए संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के साथ राणा केपी सिंह ने मुलाकात के दौरान कहा कि ज्यादातर प्रवासी पंजाबी राजनीतिक गतिविधियों पर पैसा खर्च करते हैं, जबकि उन्हें अपनी मेहनत की कमाई सामाजिक कार्यों में लगानी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों की जमीन या किसी भी झगड़े को लेकर उसका हल करने के लिए कैप्टन सरकार द्वारा कोई नीति लाई जाएगी। कैप्टन सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। सांस टीवी की खास रिपोर्ट। सांस टीवी सबसे आगे सबसे पहले, बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।